आंकड़ा है शोभा का, और शोभा एक ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो अपने Q1 के अपडेट में ऑलरेडी हमें बता भी चुके हैं। लास्ट क्वार्टर के अपडेट जो उन्होंने दिए थे उसके हिसाब से रियलाइजेशन उनके इम्प्रूव होंगे, 7498 से बढ़ के 7626 के आसपास ये रियलाइजेशन पर स्क्वायर फिट के आसपास वो दे चुके हैं ऑलरेडी। और उसके अलावा सेल्स वैल्यू और वॉल्यूम दोनों इम्प्रूव होने की बातचीत उन्होंने की है, लेकिन फिर भी ब्रोकर से मान रहे हैं कि नंबर जो है वो थोड़े से ढीले होते हुए दिखाई पड़ेंगे YOY बेसिस पर भी और सीक्वेंशियल बेसिस पर भी, क्योंकि जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन इस ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बाद कंपनी ने अपने अपडेट दिए हैं तो ये थोड़े से डिफर हो सकते हैं और शायद बेहतर साइड पर सुबह अपने नंबर पोस्ट कर सकता है। और दो तीन चीज़ें यहाँ भी क्रूशियल रहेंगी, पहला इनपुट कॉस्ट का कितना इम्पैक्ट आता है, और दूसरा कंपनी कमेंट्री कितनी क्रूशियल है नए लॉन्चेस को लेकर और आने वाले समय में उन मार्केट्स को लेकर जहाँ पर कंपनी की पैठ इतनी मजबूत नहीं है बैंगलोर के अलावा। तो वो एरियाज हैं जहाँ पर कंपनी क्या कमेंट्री देती है, इनको आप क्रूशली नज़र रखिएगा। ब्रोकर्स कमजोर नंबर मान रहे हैं लेकिन कंपनी के अपडेट से दिखता है कि शायद बेहतर नंबर आ सकते हैं।